गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीतामरा की जय। एक बार साधको, मैं आपका आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में भाई बंधुओं, बीवी बच्चों सहित, माता पिता सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, यह एक वीडियो में एक साधक के साधना का एक अनुभव दे रहा हूँ आपको, जिन्होंने एक साधना की थी। साधकों, तो ये साधन जिन्होंने साधना की थी, साधनों में इनका जो अनुभव है, आप जो है इनके मुख के द्वारा ही सुने, और कुछ वीडियो में उन्होंने नहीं मुझे बताया है, वो ऑडियो के द्वारा, माध्यम के द्वारा मैं आपको सुनवाऊँगा। तो साधकों, इस वीडियो को आप सुने उनके को। अब बताओ क्या कह रहे थे। गुरु जी, मैं यही बोल रहा था कि वो मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाती है, मैं साधना करता हूँ तो वो साधना करता हूँ हाँ, तो वो व्हील निकल जाता है। कहाँ, बैठे बैठे? हाँ, अभी नहीं, बैठे बैठे तो नहीं। मैं साधना के 5-6 दिन बाद रात में निकल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और? हाँ, और गुरु जी, अभी मुझे साधना करने की टाइम पे यानी साधना कर रहा था ना, मुझे एक सफेद सफेद कुछ दिखाई दे रही है, एक लेडी दिखाई दी थी। लेडी दिखाई दी? कितनी बड़ी थी वो? नहीं, वो नॉर्मल लेडीज थी, पानी के ऊपर थी गुरु जी। जब पानी के ऊपर खड़ी थी? नहीं, सोई हुई थी। अच्छा, पानी के ऊपर सो रही थी वो? हाँ, लोल एक हाथ अपने गले अपने साल पे टेके हुए थे, जैसे विष्णु भगवान कैसे पानी अपना साल टेकते हैं, वैसे मुझे देख रही थी, ऐसा दिखाई दिया मेरे को। अच्छा अच्छा, और? उसका चेहरा गुरु जी खून खून अच्छा नहीं था, पर लाल लाल उसके चेहरे पे थे। क्या थे? अच्छा चेहरा नहीं था, लाल लाल खून जैसा लगा हुआ था चेहरे पे। हाँ, होने को तो वो सफेदी थी वो। हाँ, बर्फ की तरह सफेद हो गई वो। हाँ, बर्फ की तरह सफेद। हाँ, बर्फ की तरह सफेद होती है। हाँ, गुरु जी, एक और मेरे को आया था कि सपने में ऐसा आया था कि सपना आपकी सिद्ध तो हो गई है, पर पूरी शक्ति के साथ नहीं हुई। हाँ हाँ, ऐसा सपना भी आया था। तो उसने, मैंने बोला कि मैं फिर से तेरी साधना करूंगा, पूरी शक्ति के साथ आना। अच्छा, ऐसा भी सपने में आ, जब मैं है ना सोया हुआ था, जब ऐसा हुआ था रोल जो मैं दिखाई दी ना, तो साधना में वो दिखाई दी मेरे को, साधना में फिर दिखाई दी तुम्हें। हाँ, ओके बेटा, तुम जब करो तो मुझे एक दिन पहले बता देना, ठीक है, या उसी दिन बता देना। हाँ गुरु जी, वो नाइट में सोने के बाद गिल वो निकल जाता है, तो मुझे इसका उसी की वजह से निकल रहा है, मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है गुरु जी, अब नहीं निकलेगा, रोक के। हाँ हाँ, ठीक है गुरु जी। और गुरु जी, कुछ घबराहट भी होती है गुरु जी? भय भी लगता है? भय मत करो, भय करना तुम्हारा बेकार है, भय मत करो। हाँ गुरु जी, गुरु, ठीक है। हाँ ठीक है गुरु जी, ठीक है बेटा, चलो। दर्शन तो तुम्हें दर्शन तो हो ही गए ना उसके? अब दर्शन तो हो गए गुरु जी, पर आशीर्वाद नहीं मिला है ना भाई। हाँ, आपका आशीर्वाद भी चाहिए, उनका भी आशीर्वाद चाहिए, पर चलो आपका करो, जब मुझे बता देना, ठीक है। हाँ ठीक है। साधकों, हमने इनकी बात सुनी, इन्होंने कहा कि उनके वीर को कोई चूस लेता है, और जो है जब ये सोते हैं रात को तो इनको स्वप्न दोष वगैरह की शिकायत हो जाती है, और ऑडियो के माध्यम से भी उन्होंने बताया कि अब इन्होंने उसके दर्शन भी किए, एक बार साधना के काल में, और एक बार जो है उन्होंने साधना के समय देखा कि पानी के ऊपर कोई लड़की बैठी है, तैर रही है। वो वीडियो के माध्यम से आपने सुना। देखो साधकों, ये साधना है, इन्होंने पहली बार साधना की है, और ये
बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं। तो ऐसे साधकों को जल्दी, जो सीधे साधे व्यक्ति होते हैं, जो छल कपट नहीं करते हैं, जिनके अंदर अहंकार और दम नहीं है, उन साधकों को साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं और जल्दी होती है। जो साधक छल कपट और दम कर रखते हैं उनको साधना कभी सिद्ध नहीं होती है। अब छल कपट वाली बात है, छल कपट तुम संसार से छुपा लोगे, मुझसे छुपा लोगे, अपने आप से नहीं छुपा सकते, ईश्वर से नहीं छुपा सकते, इन शक्तियों से नहीं छुपा सकते। तो साधकों साधना के समय पर छल कपट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपको फिर एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ इसमें, कि जो साधक साधना करते हैं, साधना काल में उनके शरीर का निर्माण होता है, जब उनकी विचलितता बढ़ती है साधना के समय, हाथ पैरों में दर्द, भागने की चेष्टा करते हैं, कमर में दर्द होता है, तो साधकों उस समय जो है, जो साधना कर रहे हैं उस साधना के अनुकूल उस साधक के शरीर का निर्माण करते हैं, उसके प्राण, और जैसे उसके शरीर का निर्माण हो जाता है, प्राण कर देते हैं, तो साधकों फिर जो है उसी उसी क्षण तत्काल सिद्धि मिल जाती है। तो प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मैंने सुंदर जिन्नी साधना आपसे ली है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी, मैं साधना करता हूँ तो 5 या 6 दिन बाद मेरा व्हील निकल जाता है या फिर कोई चूस लेता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं रात में सोता हूँ तो मेरे सीने में दर्द होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है। जी गुरु जी, जो विचलितता होती है साधक को, वो साधक को रोकनी चाहिए और उस वक्त स्थिरता में रहना चाहिए साधक को, अपने आसन पर बैठ के भागना नहीं चाहिए। और ये विचलितता जो है केवल 5 या 4 मिनट की होती है, 3 मिनट की हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है साधकों। मुझे तो जब मैं करता हूँ तो 1 मिनट होती है, ज़्यादा नहीं होती है, 30 सेकंड के लिए होती है। तुम नहीं साधक हो, तुम्हें ज़्यादा के लिए समय के लिए हो सकती है। हाथ पैरों में दर्द, मन उछटना, भागना, साधना करने का मन नहीं करना, तो ये साधकों हमारे साधना काल में प्राण हमारे शरीर से निकल के दूसरे शरीर का निर्माण करते हैं। जब दूसरे शरीर का निर्माण हो जाता है साधकों, तो साधना सिद्ध हो जाती है और आपको दर्शन हो जाते हैं। अब यह नियम सभी साधनाओं में लागू होता है। आप जितनी भी साधना करेंगे, एक साधना आपने की माना चलो, उसमें ये कंडीशन हुई, आपको सफलता मिली, दूसरी साधना करेंगे तो फिर उसे देखने के लिए आपकी वही स्थिति पैदा होगी, वही विचलितता पैदा होगी, क्योंकि अलग अलग इन सभी शक्तियों की अलग आवृत्ति अलग अलग होती है, और अलग अलग आवृत्तियों को देखने के लिए साधक को अलग अलग ही अपने शरीर का निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। तो प्राण ऑटोमेटिकली साधक का निर्माण कर देते हैं, जिससे वो साधक साधना में उन चीज़ों को देख सके। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है साधकों की, साधना कर रहे हैं, साधक से सिद्धियाँ मिल रही हैं, लेकिन उनको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। प्रत्यक्षीकरण में साधकों, मैं तुम्हें जो बताया, यही वही सिस्टम होता है, लागू होता है, कि साधना करते वक्त जब जो विचलितता होती है, उस विचलितता को आपने धारण कर लिया, तो उसी वक्त तुम्हारे शरीर, तुम्हारे प्राण से निकल के दूसरा शरीर धारण कर लेंगे, और जो दूसरा शरीर धारण करेंगे उसी शरीर में तुम प्रवेश कर जाओगे और वो तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो साधक इस विशेष बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने शरीर का निर्माण होना है, तो हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है तो हमें विचलित नहीं होना है, और हमें इस यथास्थिति में बैठ कर मन लगा के साधना करनी है। और जब साधक का शरीर का निर्माण हो जाता है तो बिल्कुल शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर से पसीने आना शुरू हो जाता है, घबराहट बंद हो जाती है, हाथ पैरों के दर्द बंद हो जाते हैं, और मन एकाग्र स्थिर हो जाता है साधक को, वही साधक को ब्रह्मी विद्या की स्थिति हो जाती है साधक की, और साधक को तत्काल उसकी सिद्धि के दर्शन हो जाते हैं या इष्ट के दर्शन हो जाते हैं जो साधक उसे चाह रहा है। साधक को इस वीडियो में इस बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। ये मेरा वीडियो कैसा लगे साधक को तो मुझे फ़ोन करके अवश्य बताना, मैसेज करके अवश्य देना, कमेंट करना। जब तक के लिए साधकों में आए, अगर जिंदे रहे तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।